झारखंड निकाय चुनाव में सियासी जंग जारी है। रघुबर सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है। ऐसा पहली बार है जब स्थानीय नगर निकाय के चुनाव झारखंड में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर लड़ा जा रहा हो। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जमकर पसीना बहाया। बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, जेबीएम, आरजेडी जैसे राजनीतिक दलों ने प्रत्येक सीट पर अपने प्रत्याशी उतार कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का काम बखूबी किया, जहां मुख्यमंत्री रघुबर दास समेत सभी मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सभी राजनीतिक दलों ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। अब इनसे क्या उम्मीद करेंगे, लोग सिर्फ भाषणें देते हैं। आप याद करो 2014 से लेकर के जब जब चुनाव आया, चाहे लोकसभा को, विधानसभा को, इसको शुरुआत हमें करनी है कि इस नगर निगम के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की विदाई का धूमधाम से इसकी विदाई करना। मैं यही आज आप सब लोगों से कह रहा हूं, आपके पास जितनी समय है आप उतनी समय का आप उपयोग करेंगे। गांव गांव घर घर आप जाएंगे, टोला मोहल्लों में जाएंगे, लोगों को बताओ कि अगर भारतीय जनता पार्टी अधिक दिनों तक इस राज्य में रह गई, इस नगर निगम क्षेत्र में रह गई, विकास तो कहीं होगा नहीं लेकिन विनाश जरूर होगा। वहीं बीजेपी हर हाल में निकाय चुनाव को जीतना चाहती है, इसीलिए खुद मुख्यमंत्री रघुबर दास और उनके सभी मंत्रियों ने अपने अपने जिलों में मोर्चा संभाला। बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए गए कार्यों को लेकर अपनी उपलब्धियां गिना रही है। नगर विकास मंत्री की प्रतिष्ठा नगर निकायों के चुनाव परिणाम को लेकर लगी हुई है। वहीं बीजेपी अपने प्रत्याशियों को जनता के घर घर भेजकर लोगों को रिझाने में लगी है। देखिए, अगर आप ऐसे देखेंगे रांची नगर निकाय का चुनाव में, तो अभी तक तो हम जितना लोग को देखे हैं कोई पार्टी ऐसा नहीं है जो सामने हो सकता है, लेकिन ये परीक्षा की घड़ी है, एग्जाम सबके लिए होता है। हर क्वेश्चन का हल करना और नहीं करना वो तो जनता पर डिपेंड करता है। ये भी एक एग्जाम का पन्ना के जैसा है, उसको पलटना है, समझना है, परखना है। हम काम दिए हैं, काम के आधार पर जनता तक जा रहे हैं। एक भी प्रमाण अनुमान के आधार पर बोलने से तो नहीं होगा। बाबूलाल मरांडी को प्रमाण देना चाहिए। यदि ऐसी कोई एक भी चीजें हैं तो मैं दावा करता हूं, पार्टी से भी कहूंगा, एक प्रमाण भी मेयर और डिप्टी के मेयर के बारे में उन्होंने दे दिया तो आज हम चुनाव मैदान से हट जाएं। विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने में जुटा है। विपक्ष विभिन्न निकायों में लगने वाले होल्डिंग और अन्य टैक्सों को लेकर भी जनता में नाराजगी है। बीजेपी के प्रत्याशियों पर भ्रष्टाचार को लेकर भी विपक्ष की ओर से निशाना साधा जा रहा है। वर्तमान में भी राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी के साथ मिलकर आई है जेएमएम का प्रतिनिधिमंडल, तो हम लोग जनता के हित में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली से कोई हमें इंस्ट्रक्शन दे और हम लोग उसके अनुरूप काम करें। जो जमीन से जुड़े लोग हैं, जो स्थानीय क्षेत्रीय पार्टी है, वही जनता की समस्याओं को भली भांति समझ सकती है। क्या अभी तो कई साल हो गए, अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, आप एक भी सब लोगों से पूछिए क्या ये लोग खुश हैं। अगर खुश है तो निश्चित रूप से जिनको पिछली बार वोट दिया था उनको जिताए, और अगर खुश नहीं है तो हमारे प्रत्याशी को जिताकर दिखाए। एक बार तो मौका मिलना चाहिए ना, हम करके दिखाएंगे। चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में है, तो राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ प्रमुख नेताओं की धड़कनें भी बढ़ गई हैं कि उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचेगी या घटेगी। पहली बार छोटे निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री रघुबर दास से लेकर विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी तक की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। नगर निकाय चुनाव में अब कुछ ही घंटे शेष हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी है, अपने अपने वादे हैं, तो वहीं अपने कार्यों का बखान भी जनता के दरवाजे पर कर आए हैं। अब जनता किसे चुनती है और कैसी ये खामोशी जनता की आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम के रूप में दिखाती है, ये शायद राजनीतिक दलों को बेचैनी होगी। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अशोक कुमार, APN रांची।